بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد पिछले एक दो हफ्तों से उस दुआ का जिक्र है जो कुरान करीम में इबादुर रहमान की तरफ मंसूब फरमाई गई है कि रहमान के बंदे क्या दुआ करते हैं। तो उन दुआ के से पहले जो सिफात इबादुर रहमान की बयान की गई है मनासिब मालूम हुआ कि उसके बारे में भी कुछ बात की जाए। तो पहली सिफत जो इबादुर रहमान की बयान फरमाई गई वो है अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, के जमीन पर वो आजिज़ी के साथ चलते हैं। इससे इशारा है उनकी एक बातिनी सिफत की तरफ, बातिनी खूबी की तरफ, और वह है तवाज़ो। तो रहमान के बंदे होने का पहला तकाजा यह हुआ कि इंसान में तवाज़ो हो, और तवाज़ो के माना ये कि वो अपने आप को किसी से भी अफजल न समझे। मैंने अर्ज किया था कि किसी सिफत के अंदर अपने आप को दूसरे से ज्यादा कामिल समझना, अकमल समझना, ये मुनाफी नहीं है तवाज़ो के। लेकिन अफजल समझना यह मुनाफी है तवाज़ो के। अलबत्ता अकमल समझना और अकमल समझने का आदमी मुराकबा करता रहे कि मैं ज्यादा अकमल हूं, तो यह फिर आखिर में जाकर किब्र पर मुंतज हो जाता है, उजब पर, फिर किब्र पर, फिर तकब्बुर पर। लिहाजा जब कभी अपने किसी कमाल का ख्याल आए, अपने इल्म का, अपने तजर्बे का, अपने नज्म व ज़ब्त का, तो फौरन साथ साथ ये बात भी दिल में आनी चाहिए, इसका इस्तेज़ार होना चाहिए कि यह कोई मेरा ज़ाती कमाल नहीं है, जो कुछ है अल्लाह जल्ला जलालुहु की आता है, और जब चाहे बारी ताला वो सिफत मुझसे छीन ले। ये इस्तेहज़ार और ये ध्यान, ये है, ये रखना जरूरी है। और इसी के फुकदान से अकमल से अफजल की तरफ आदमी बढ़ जाता है, इस ध्यान के फुकदान से, कि जब ध्यान न रहा कि ये अल्लाह ताला की अता है, तो फिर वो अपने आप को जो अकमल समझ रहा है वो फिर अफजल समझने की तरफ बढ़ जाता है, उसका मुकदमा बन जाता है, और इसकी वजह से आदमी उजब में या किब्र में और बिलाखिर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा अल्लाह जल्ला जलालुहु ने बंदगी का पहला तकाजा यही बयान फरमाया कि तवाज़ो है उनके अंदर, यमशून अल अर्ज़ हौना। और दूसरा तकाजा यह बयान फरमाया कि वेदा खातबहुल जाहिलून कालू सलाम, जिसका हासिल यह है कि खुद लड़ने झगड़ने के आदमी नहीं होते,
लड़ने झगड़ने वाले नहीं होते। इसलिए खुद तो क्या लड़ते, अगर दूसरे लड़ने वाले दूसरे जाहिल लोग इनसे मुखातिब भी होते हैं तो उनका जवाब भी लड़ झगड़ कर नहीं देते, बल्कि सलामती की बात कहते। जैसा मैंने शायद पिछली बार भी अर्ज किया था कि सलामान का एक माना तो यह है कि वो सलाम कह जाते हैं, यानी अलविदाई सलाम, कि भाई हम आपको सलाम करते हैं, हम बस अब हमारा रास्ता और है, आपका रास्ता और है। और दूसरे माना यह कि अगर कोई जवाब भी देते हैं तो सलामती वाला जवाब देते हैं। पहले माना का तवासिल है कि जवाब ही नहीं, बस कह दो भाई मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, सलाम मैं जा रहा हूं। और दूसरे माना यह कि बात जवाब दिया लेकिन जवाब कैसा, सलामती वाला, मजीद लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ये नहीं कि तुमने मुझसे ये कहा तो मैं उसका जवाब ये देता हूं, तुमने ये कहा उसका जवाब ये देता हूं, यानी उन्हीं की सतह पर आकर जो नाशायस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हीं की सतह पर आकर मैं भी उसका जवाब देना शुरू कर दूं। उसने कहा तुम जाहिल आदमी हो, तुम कहो तू जाहिल हो, तेरा बाप जाहिल हो, तेरा दादा जाहिल, तो उसे इसकी सतह पर आकर जवाब देना शुरू कर दूं, ये नहीं, बल्कि मैं तो सलामती की बात कहूंगा। वो गाली भी दे रहा हो, वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम और बोहतान भी लगा रहा हो, लेकिन मैं बात करूंगा तो सलामती की करूंगा, उस पर जवाबन कोई ऐसे ही चलता हुआ इल्जाम नहीं डालूंगा जो बगैर दलील के हो, और ना उसके गाली का जवाब गाली से दूंगा, बल्कि सलामती की बात करूंगा। ये एक वस्फ है इबादुर रहमान। आजकल हम लोगों को बकसरत इन बातों का इस्तेहजार करने की बड़ी जरूरत है। हमारे माहौल में मुखालफत ये दुश्मनी का नाम है, इख्तलाफ दुश्मनी का नाम है। जिस किसी से इख्तलाफ हो गया तो उसकी जान माल आबरू सब हलाल हो गई। चलो जो कुछ थोड़े बहुत एहतियात करने वाले हैं तो वो जान पर तो चाहे हमला ना करें, माल पर ना करें, लेकिन आबरू तो बिल्कुल हलाल है। यानी जिस शख्स से कोई राय का इख्तलाफ है, मुसलक का इख्तलाफ है, उसकी आबरू हलाल है, उसको चाहो जो चाहो कह दो, जो बात चाहो उसकी तरफ मंसूब कर दो बगैर ताक कि वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है। और अगर कहीं उसने हमारे ऊपर कोई हमला कर दिया, जबानी हमला, तो फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उसका जबानी हमले का जवाब ऐसा मिलेगा कि वो मुंह चाटता रह जाए। और इसी को बहुत बड़ा वस्फ करार दिया जाता है कि मैंने उसको दंदा शिकन जवाब दे दिया, मैंने
उसको लाजवाब कर दिया। मैंने उसकी हकीकत उसके ऊपर वाज़े कर दी और मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि मैंने क्या बना दिया उसको। इसको बड़ा फख्र का एक सबब करार दिया जाता है कि मैंने ये किया। और माशाल्लाह जो मुरीदीन और मुतकिदीन हैं वो और आगे बढ़कर वो पता नहीं उसको क्या बना देते हैं और किस किस्म के जुमले अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम मिजाज बनता जा रहा है, चाहे वो मजहब हो, दीन हो या सियासत हो या कोई और शोबे जिंदगी हो। इख्तलाफ के माना है लड़ाई, और लड़ाई भी निचली सतह की लड़ाई, शरीफाना लड़ाई नहीं, रजालत वाली लड़ाई। एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद करना और तहकीक किए बगैर किसी की तरफ बुराइयां मंसूब कर देना। और अफसोस है कि ये खराबी सिर्फ सियासी लोगों में नहीं बल्कि खुद हमारे अहले इल्म के तबके के अंदर भी दर आई है। और जितना आदमी जितना ज्यादा चर्ब जबान हो और जितना दूसरे की पगड़ी उछालने वाला हो उतना ही उसको महबूब और मकबूल करार दिया जाता है। नबी करीम सरवरद आलम की सुन्नत, कुरान करीम की हिदायत, अंबिया किराम का तरीका, वो सिर्फ चंद जवाहिर के अंदर मुनासिर होकर रह गया। जवाहिर क्या है कि हमारा लिबास ऐसा है, हमारा हुलिया ऐसा है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये यकीनन ये सिफात काबिले कदर हैं और यकीनन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तकाजा है, लेकिन सुन्नत इसमें मुनहासिर नहीं। सुन्नत यह भी है कि कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। सुन्नत यह भी है कि लोगों के साथ बशाशत के साथ, लोगों से बशाशत के साथ मामला फरमाया। सुन्नत यह भी है कि मुखालिफीन के लिए सिवाय चंद मवाके के बद्दुआ का मामला भी इस्तेमाल नहीं फरमाया। सुन्नत यह भी है कि कभी किसी के लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो दिल आजारी पर मुश्तमिल हो। सुन्नत यह भी है कि मन
رآه بداهة حابه ومن خالطه بشاشة احبه. کہ آپ اگر اچانک کوئی دیکھ لے, زیارت کر لے, تو اس پر ایک حیبت طاری ہو جائے, لیکن جب کچھ ساتھ رہے اور بشاشت کے ساتھ رہے تو پھر روب جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کا تجربہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ سب سنتیں ہیں. حلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کس طرح بردباری سے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا, کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر بخش دیا کہ لا تصریب علیکم اليوم. یہ ساری سنتیں ہیں. یہ کہاں چلی گئیں یہ سنتیں؟ اور صرف ظواہر کی سنتیں کیوں باقی رہ گئیں؟ وجہ یہ ہے کہ باطنی تربیت نہیں, باطن کی تربیت نہیں. باطن میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں, تکبر کے, حسد کے, وہ کیوں آگے بڑھ گیا مجھ سے, حسد کے, تو اس کے نتیجے میں اگر کسی کی معمولی غلطی بھی کہیں سامنے آ گئی تو وہ پہاڑ بن گیا, بنا دیا گیا, اور بنا کر اس کو آسمان پر چڑھا دیا گیا, اور اس کے لیے سب کچھ طنز, تعزیز, استہزاء سب حلال ہو. اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے. یہ بڑی خطرناک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا معاملہ وہ کہیں دور چلا گیا. اور مبنا اس کا اصل میں اگر دیکھا جائے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کسی غلط بات کے دل میں بٹھانے سے, لیکن بظاہر جو بزرگوں سے سنا سمجھا ہے, اس کا اصل مبنا ہے دو چیزیں. ایک حب جاہ اور دوسرا تکبر. کیونکہ حب جاہ کیا ہوتا ہے؟ مقبولیت لوگوں میں اس کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری دنیا میں, لوگوں میں میری مقبولیت ہو, لوگ میری اچھائیوں کے گن گائیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں, اور لوگ کسی بھی شعبے میں میری تعریف کریں. اب اگر تعریف ہو رہی ہے کسی اور کی, خواہش تو یہ تھی کہ میری ہوتی, دل تو یہ چاہ رہا تھا, لیکن ہو کسی اور کی رہی, تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایک, اللہ بچائے, حسد پیدا کر دیتی. اور جب حسد آ جاتا ہے, اللہ بچائے, تو پھر وہ تکبر, حسد, حب جاہ, یہ چیزیں مل کر انسان کو اس پر آمادہ کرتی ہیں کہ دوسرے کی مٹی پلید کرو. تو اس کے نتیجے میں سخت کلامی, استہزاء وغیرہ,
यानी सारी सूरह हुजरात को की पूरी मुखालफत बदगुमानी उसमें आएगी, तजस्सुस उसमें आएगा कि देखूं क्या कर रहा है, गीबत उसमें आएगी और बदगुमानी, ये सब हो हुआ कर उसका नतीजा बदकलामी में निकलेगा। तो इधर खातबहुल जाहिलून कालू सलामा से कहां चले गए, कितनी दूर? तो ये एक बीमारी है, अल्लाह बचाए, जिसमें हम मुब्तला होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इस बात को भाई बहुत फैलाने की जरूरत है। हिल्म को अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी बिल हिल्म, ज़य्यिनी बिल हिल्म, और बाद रिवायतों अल्लाहुम्मा अग़निनी बिल हिल्म व ज़य्यिनी बिल हिल्म। ये दुआ कौन कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह मुझे इल्म से तो मेरी मदद फरमा, और या मुझे इल्म में गनी फरमा दे, और उस इल्म को जीनत अता फरमा हिल्म से। हिल्म क्या माना? बुर्दबारी। ये नहीं कि गुस्से में आ जाए आदमी बस फौरन, बल्कि बुर्दबारी। तो इल्म की जीनत होती है हिल्म से। इस हिल्म की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। जो जिसके खिलाफ एक अमली मुहिम चली हुई है, उसने हमारे माहौल को भी गंदा किया हुआ है, और हमारे दरमियान फिरका बंदी, ग्रोह बंदी, इन चीजों को भी फरोग दिया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे अकाबिर हजरात उलमाए देवबंद, जिनके हम नाम लेवा हैं, उन्होंने इस सुन्नत पर जिस तरह अमल करके दिखाया और उसके जो नताइज सामने आए, उनको कभी कभी पढ़ना चाहिए, उनके हालात को जानना चाहिए। हजरत हकीम उल उम्मत माना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक जगह बात कहने के लिए उनको बुलाया गया, वहां तशरीफ ले गए, और वो सारा जब वो जिस जगह बात कहने के लिए बुलाया गया था, वो सारा हलका जो है वो उन हजरात का था जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को माज़अल्लाह ये समझते थे कि आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की है, महज गलत फहमी की बुनियाद पर। और उन चीजों के कायल थे जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में मुनासिब नहीं थी या जायज नहीं थी, मिलाद कयाम वगैरह मसल। तो जब हजरत बात के लिए तशरीफ लाए
तो एक पर्चा भेजा किसी ने, उसमें लिखा कि मौलाना कि हमने सुना है कि आप काफिर हैं, दूसरे मैंने हमने सुना है कि आप जुलाहे हैं, जुलाहे हैं, जुलाहा जानते हो ना, वो जो पहले जमाने में अब भी होते हैं जो हैं कपड़ा बुनते हैं, तो जरा वो जुलाहे को एक कमतर पेशा समझा जाता था, उस वजह से उसने कहा कि आप जुलाहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने अगर कोई वाज में कोई इख्तिलाफी बात बयान की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब बताइए, पहले नंबर तो काफिर का हुक्म लगा दिया, दूसरे नंबर पर नसब में तान किया कि जुलाहे हैं, और तीसरे ये कि कोई इख्तिलाफी बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब ये कि हस्ब मामूल अपना किरदार अदा करेंगे। तो हजरत जब तशरीफ लाए तो उसका क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि भाई एक पर्चा आया है मेरे पास, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पर्चे में पहली बात तो यह कही है कि मैं काफिर हूं, तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मैं पहले काफिर था या नहीं था, मैं आपके सामने कलिमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले था या नहीं था, यह वो कलिमा है जो 70 बरस का काफिर भी इससे मुसलमान हो जाता है। तो मैंने आज आपके सामने कलमा पढ़ लिया, पहले था या नहीं था इससे बहस, लेकिन अब मैं मुसलमान हो गया कि नहीं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी बात ये पूछी है कि ये कहा है कि आप जुलाहे हैं नसबन, तो मैं यहां कोई रिश्ता लेके तो आया नहीं के मेरे नसब की तहकीक की जरूरत हो, तो इसलिए अगर जुलाहा हूं भी और अगर कोई सही बात करूं तो कोई माने नहीं होना चाहिए उसके कबूल करने, तो इस बहस में पढ़ना फजूल है कि मैं जुलाहा हूं या नहीं। अगर कोई रिश्ता लेके आया होता तो बेशक आप तहकीक करते। तीसरी बात जो फरमाई के इख्तलाफी मसाइल न बयान करना, तो पहली बात यह है, मैं कहता हूं कि मैं यहां खुद से नहीं आया हूं, मैं यहां किसी दावत पर आया हूं बात बात करने के लिए। अगर आप हजरात नहीं चाहते तो एक आदमी भी खड़ा होकर कह दे कि हम आपके बात नहीं सुनना चाहते, मैं चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं बात करूं तो फिर ये कैद नहीं बर्दाश्त करूंगा कि इख्तलाफी मसाइल न बयान किए जाएं, क्योंकि मेरा आदत इख्तलाफी मसाइल बयान करने की नहीं है, दीन की मुस्बत बातें बयान किया करता हूं। लेकिन अगर अस्नाए कलाम में कोई इख्तलाफी मसला आ जाता है तो मैं छोड़ता भी नहीं, मेरे इन बातों को अगर बातें आपको कबूल हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, वरना आप में से एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि नहीं हमें नहीं मंजूर तो मैं चला जाऊं। अब सन्नाटा छा गया, कोई नहीं, उसी ने बल्कि खड़े होकर कह दिया नहीं हजरत किसी ने क्या कह दिया आप बयान करें, तो बयान फरमाया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सारे
इख्तलाफी मसाइल जो थे जो उस हलके में राइज थे उन तकरीबन उन सब का बयान आया बयान हुआ। लेकिन बयान किस तरह हुआ कि उसमें कोई तान नहीं था, कोई तशनी नहीं थी, कोई उसमें दिल आजारी नहीं थी, उसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे कि जो दूसरे को कि तजलील तौहीन के अल्फाज हों। तो लेकिन जो हकीकत थी मसले की वो बता दी अपने ने। और फिर जब बात पूरा हुआ तो जो साहब जिन्होंने पर्चा भेजा था वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा हजरत जो पर्चा भेजा था मैंने भेजा था और मेरे जहन में जो कुछ भी आपके बारे में इश्कालात थे आज आपने सब खत्म कर दिए। यह है तरीका इज़ा खातबहुल जाहिलून कालू सलाम। अब अगर हजरत ये कहते कि जिसने पर्चा भेजा था वो मुझसे बड़ा काफिर है, काफिर नहीं अकफर है, और जो मुझे जुलाहा कहता है उसका वो जुलाहा, उसका बाप जुलाहा, उसका दादा जुलाहा, और आए मेरे मैदान में कि कौन है जो मुझे रोके इख्तलाफी बयान मामला करने से, आए मेरे मेरे सामने। एक तरीका यह था। लेकिन ये तरीका क्या होता है इसका अंजाम? लड़ाई हो सकता है, वो खूनरेजी तक पहुंच जाए। और यहां सारे मामलात आसानी के साथ तय करके लोगों की इसलाह का एक रास्ता निकाल दिया। यह इज़ा खातबहुल जाहिलून कालू सलाम। हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वाक्य मैंने पहले हजरत शेख हुसैन के बारे में सुना था अपने वालिद माजिद से, लेकिन बाद में तहकीक हुई कि हजरत नानौतवी का वाक्य है कि हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने शेर कहा और उसमें काफिर कह दिया, हजरत नानौतवी पर कुफर का फतवा लगा दिया शेर में। तो हजरत के एक मुरीद थे, वो खुद शायर भी थे, उन्होंने उसका जवाब शेर में कहा और बड़ा यानी जबरदस्त गूंजता हुआ जवाब दिया कि मुरा काफिर अगर गुफ्ती गमे नीस्त, चरागे किजबरा नब्बत फरोगे, मुसलमानत बखानम दर जवाबश, दरोगे रा जजा बाशद दरोगे। वो के मुरा काफिर अगर गुफ्ती गमे नीस्त, मुझे अगर तुमने काफिर कहा है तो मुझे कोई गम नहीं है। क्यों? इसलिए के चरागे किज़्ब रा नब्बत फरोगे, झूठ का चराग ज्यादा जला नहीं करता। चलो ये तो एक। अगले शेर में कहा कि मुसलमानत बखानम दर जवाबश, तुमने मुझे काफी कहा तो उसके जवाब में मैं तुम्हें मुसलमान कहता हूं। क्यों? के दरोगे रा जजा बाशद दरोगे, के झूठ झूठ का जवाब जो है वो झूठ ही से दिया जा सकता है। झूठ का जवाब झूठ ही से दिया जा सकता है, यानी क्या मतलब हुआ कि तुमने मुझे काफिर कहकर झूठ बोला था, मैं तुम्हें मुसलमान कहकर झूठ बोलता हूं। तो दरोगे रा जजा बाशद दरोगे। तो हजरत के पास जब वो लिख के ले गए कि हजरत ये मैंने उसके जवाब में लिखा है, हजरत ने कहा भाई तुमने शायरी के एतबार से तो कमाल कर दिया, लेकिन आखिर लपेट कर उसको काफिर कह तो दिया तुमने कि दरोगे रा जजा बाशद दरोगे, लेकिन लपेट के कहा, लेकिन कह दिया आखिर को काफिर। और हम ऐसी बात नहीं करते, हमारा तरीका ये नहीं।
लिहाजा इसको बदलो और उसको इस तरह बदला कि मुरा काफिर अगर गुफ्ती गमे नेस्त चरागे किजबरा नब्बत फरोगे मुसलमानत बखानम दर जवाबश दिहम शक्कर बजाए तलख दोगे दिहम शक्कर बजाए तलख दो। मैं तुम्हें जवाब में मुसलमान कहूंगा और तुमने जो कड़वी चीज मुझे दी है उसके मुकाबले में मैं तुम्हें मीठा खिलाऊंगा। दिहम शक्कर बजाए तलख दोगे अगर तू मोमिनी फबिहा वहिल्ला अगर बाकी तुम वाकई मैं तो मुसलमान कहता हूं तुम्हें अगर बाकी मुसलमान हो तो अच्छी बात है और अगर खुदा ना करे ना हो तो फिर जजा दर वगैरह जजा बाशद दर होगा। इस तरह से बिल कर दिया। अब उसको जो शेर जो होता है ना शेर वो कानूनी बारीकियों में थोड़ी जाता है। शेर जो है वो ऐसी चीज है जो कानूनी बारीकियों में नहीं जाया करता। वो तो एक जो है उसके अंदर एक लताफत होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो अल्फाज बढ़ाए ना ये कानूनी कयूद व शराइत जो बढ़ाई बीच में तो इससे शेर का तो सत्यानाश हो गया। लेकिन क्योंकि शेर में भी किसी को शायरी में भी किसी का गलत बात कहना गवारा नहीं था इसलिए इस शायरी के बिगाड़ को गवारा कर लिया लेकिन हकीकत को कहना कहना कि बाज नहीं आए। यह इदा खातबहुम जाहिलूना कालू सलाम। तो ये वस्फ जो है कहां जा रहा है किसके अंदर ढूंढा जाए ये वस्फ कि भाई मैं झगड़ा नहीं चाहता। अगर कुरान और हदीस के अहकाम पर गौर किया जाए तो नजर आएगा कि कदम कदम पर शरीयत ने इस बात का लिहाज रखा है कि झगड़े खत्म। झगड़ों से दीन को बैर है। या दीन को झगड़ों से बैर है। अगर दीन है तो झगड़ा कम से कम होगा नहीं होगा। अगर दीन है इत्तबाए सुन्नत है तो फिर झगड़े का सवाल नहीं पैदा होता। झगड़ा वहां होता है जहां दो आदमी दोनों अपने आप को मुतकब्बिर समझते तो फिर एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन अगर तकब्बुर नहीं है हुब्बे जाह नहीं है हसद नहीं है तो झगड़ा कहां से आएगा। रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर झगड़ों से बचने की ताकीद फरमाई। फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का जिम्मेदार हूं कि जिम्मेदारी लेता हूं कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। अना ज़ईमु बैतिन फिल जन्नति फी वसतिल जन्ना ज़ईमु बैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन तरकल मिरा व हुवा मुहिक। हक पर था और अगर झगड़ा करता तो शरअन जायज था लेकिन इसने झगड़े से अपने आप को बचाने के लिए अपना हक छोड़ दिया। उसके लिए मैं जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का जिम्मा लेता हूं। मामूली बात क्यों नहीं चाहते कि झगड़ा हो। काबा शरीफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने जिस तरह तामीर किया था उसकी जो बुनियादें थी
कुरैश ने उनमें कमी कर दी थी। ये जो हतीम है उसको निकाल दिया था बैतुल्लाह से, और बैतुल्लाह के जो दरवाजे थे वो दो थे, एक मशरक में एक मगरिब में। तो उन्होंने मशरक का दरवाजा बरकरार रखा, मगरिब का बंद कर दिया। छत के अंदर भी कुछ तसर्रुफ किया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मेरा ख्याल आता था कि मैं इस काबे को असर नौ असल बिनाए इब्राहिमी पर तामीर कर दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि इसमें फितने का अंदेशा है, क्योंकि लोग ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए हैं, अगर काबे को छेड़ा जाएगा तो कहीं उनके अंदर एक रद्द अमल पैदा ना हो जाए और झगड़े का रास्ता ना निकल आए। तो झगड़े का की वजह से इतना बड़ा अहम का काबे का बिनाए इब्राहिमी पर वापस ले जाना, इसको तर्क फरमा दिया। क्यों कि झगड़ा नहीं भाई, तो कदम कदम पर शरीयत के यहां आपको यह अहकाम मिलेंगे कि झगड़े से परहेज करो। अब साफ फकाए किराम क्या एक मुस्तकिल उसूल बन गया, मुफ़ज़ी इला निज़ा, हर वो अक्द या मामला या ट्रांजैक्शन जिसमें अंदेशा हो कि आगे जाकर झगड़ा होगा वो नाजायज, फासिद, नाकाबिल कबूल। क्यों? माशरे में झगड़े का, माशरे से झगड़े को, झगड़ों को मिटाना है, और आज हम झगड़ों को दावतें देते हैं, दावत देते हैं, आए मेरे को मद्दे मुकाबला है। तो भाई ये सब आयतें जो हैं कुरान करीम की, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये अमल के लिए। आदमी अगर ये सेवा अपना ले जो इस आयत करीमा में फरमाया गया, इज़ा खातबहुम अल-जाहिलून क़ालू सलामा, तो ये सेवा अगर अपना ले, हर आदमी अपना ले, झगड़ों का वजूद खत्म हो जाए दुनिया से। असल बात क्या होती है? असल बात यह होती है कि जब आदमी कोई बात करे तो उसकी एक बुनियाद ये होती है कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करूं, दिल चाहता है मेरा कि इसका मुंह नोच लूं, दिल चाह रहा है कि मैं इसको तुर्की बतुर्की जवाब दूं, ये ख्वाहिश है नफसानिया, ये नफसानियत है। तो जब आदमी कोई गुफ्तगु करता है, किसी से बात करता है, किसी से कोई मामला करता है, अगर नफसानियत की बुनियाद पर कर रहा है तो वो झगड़े की तरफ ले जाएगा, वो हदूद में कायम नहीं रहने देगा, हदूद पर कायम रहने देगा, हदूद से आगे बढ़ जाएगा। और अगर कोई आदमी जो बात कह रहा है, जो काम कर रहा है, वो अल्लाह के लिए कर रहा है, वो तो अल्लाह के लिए कर रहा है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को उसने कुर्बान कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के ऊपर। तो जब वो अल्लाह जल्ला जलालहू की खातिर कर रहा है तो फिर उसको उसकी परवाह नहीं कि दूसरा मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, वो मुझे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे बुरे इस्तेमाल करे, करता रहे वो, मुझे तो अपने अल्लाह को राजी करना है।
मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना। इसने मुझे क्या कहा था, मुझे तो अपने अल्लाह को राजी करना है, और जब अल्लाह को राजी करना है तो फिर मेरी जबान जो है वो पाबंद होगी, हुदूद की पाबंद। मेरी जबान भी, मेरा कलम भी हुदूद का पाबंद। तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं, इनसे आगे बढ़ना ये नफसानियत है। अल्लाह ताला अपने रहमत से हमारे अंदर ये पहचान पैदा फरमा दे कि हम कौन सी बात नफसानियत के तहत कर रहे हैं और कौन सी बात अल्लाह के लिए कर रहे हैं। यहां तक के जो आपस के दोस्तों में जो बातचीत होती है उसमें देखो, किसी से दोस्ती करे आदमी तो भी अल्लाह के लिए करे। मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान। किसी से अगर मोहब्बत है तो वो भी अल्लाह के लिए है, अगर किसी से बुग्ध है तो वो भी अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए है, सर का फर्ज करो, बुग्ध भी अल्लाह के लिए है कि आदमी जो है अल्लाह की नाफरमानी पर तुला हुआ है और उसकी वजह से इसके फसाद फैला रहा है, इस वजह से मुझे बुग्ध है इससे। जब अल्लाह के लिए होगा तो फिर उसकी जवाबदेही में और उसके मुकाबले में अल्लाह के अहकामात भी सामने होंगे। मैदा खातबहुल जाहिलून कालू सलामा, और अगर वो मेरी नफसानियत से होगा तो फिर ये अहकामात सामने नहीं होंगे, फिर मेरा जोश होगा, मेरा जज्बा होगा, मेरा गुस्सा होगा, और उसी गुस्से के ताबे में सारे काम करूंगा। तो मेरे भाइयों, अजीजों, मैं किस तरह इस बात को बयान करूं, दिल किस तरह खोलूं आपके सामने कि इस आयत करीमा इज़ा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा कि मुखालफत पर कमर बांधी हुई है लोगों, और उसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो लड़ाइयों की आमाजगाह बना हुआ है, झगड़ों की आमाजगाह बना हुआ है। सियासी झगड़े, मजहबी झगड़े, माशरती झगड़े, असबियाती झगड़े, गुरोही झगड़े, ये क्यों है? इस आयत के मुखालफत की वजह से। ये जो इस आयत में ये फरमाया गया कि जब जाहिल लोग उनसे खिताब करते हैं तो वो सलामती कर की बात कहते हैं, इसमें जाहिलों के जवाब किस तरह देना चाहिए उसको तो बयान कर दिया। लेकिन खुद जब आदमी अभी कोई मुखालिफ नहीं है, यानी कोई खिताब नहीं कर रहा जाहिल आदमी, उस वक्त में जब बात करूं तो कैसे करूं, इसका जिक्र इसमें बराह रास्त नहीं है। लेकिन जैसे दलालतुन्नस के तौर पर बात की जाती है तो यहां पर यह खुद इसमें पोशीदा है ये बात कि जब दूसरों का गाली का जवाब गाली से नहीं देता तो खुद इब्तदा कैसे करेगा गाली से, जब वो दूसरे की जहालत का जवाब सलामती से देता है तो खुद इब्तिदा कैसे करेगा। लिहाजा इसमें यह बात खुद पिन्हा है
कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उसका जिक्र ही नहीं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आगाज करे ये लड़ाई का और आगाज करके दूसरे पर हमला करे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब दूसरे करते हैं इसके साथ ज्यादती करते हैं, दूसरे इसके साथ लड़ाई करते हैं, तो भी उसका जवाब ये सलामती ही से देता है, जो खुद बात पिन्हा है इसमें। इस सब का खुलासा, इस सब बात का कोई मतलब ये ना समझे कि इससे इख्तलाफ को मना किया जा रहा है। इख्तलाफ राय, इख्तलाफ मसलक, ये एक हकीकत है और उसको बिल्कुलिया मिटाना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो लोग कहते हैं कि सब एक राय पर मुत्तफिक हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये फरमाते थे कि उस वक्त तक नहीं हो सकता, या तो सारे के सारे जो है बेवकूफ हो जाए, अकल से खारिज हो जाए सब, या सब के सब बेबद्यानत हो जाए, तभी हो सकता है ये बात कि भाई इख्तलाफ राय नहीं है। या तो सब बेवकूफ है, एक ने जो बात कह दी सुबह सुभान अल्लाह, हर एक उसको लेके चल रहा है, अपनी अकल नहीं दे इस्तेमाल करता, सब बेवकूफ, तो फिर ठीक है इत्तेहाद हो गया। दूसरा ये कि सब बद्दयानत हो जाए कि इख्तलाफ तो है मुझे मगर मैं जाहिर नहीं करता, तो ये बद्दयानती है। तो जब तक दयानत मौजूद है और अकल मौजूद है, इख्तलाफ तो रहेगा, आरा में इख्तलाफ रहेगा, लेकिन उस इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रखा जाए, उसको दुश्मनी ना बनाए, उसको शिकाक का जरिया ना बनाए। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो रिसाला है वहदत उम्मत, उसका जब अरबी तर्जमा हुआ तो मैंने उसका नाम रखा था अखिलाफुन अम शिकाक, कि क्या ये जो खिलाफ है इख्तलाफ है या शिकाक है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि हम इख्तलाफ राय से मना करते हैं, इख्तलाफ राय तो होता है, हो जाता है, लेकिन उसको दुश्मनी का जरिया बनाना, तान तशनी का जरिया बनाना, उसको दूसरे आदमी को उसके बिना पर जलील करना किसी भी अंदाज से, ये इस आयत कुरानी के खिलाफ है। अगर हम इस आयत को पढ़ते हुए ये सबक ले लें अपनी जिंदगी के अंदर कि कुछ भी हो जाए हम अपने आप को पुरसुकून रखेंगे, हम अपने आप को सलामती के रास्ते पर रखेंगे, कोई कितना ही बड़ा दुश्मन आ जाए, यहां जिहाद वाली बात नहीं हो रही, लेकिन अपने माशरे के अंदर कितना ही कोई शख्स आ जाए तो और वो हमसे कितनी ही बदकलामी करे, हम उसके जवाब में बदकलामी नहीं करेंगे, बल्कि इज़ा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे, अपने रहमत से तौफीक अता फरमा दे, हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी बीमारी इससे दूर हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।